आज मैं आपके सामने एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता की कुंडली लेके आया हूँ। ये कुंडली है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। इन्होंने 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि साहित्य पे। ये साहित्यकार थे, कवि थे, दार्शनिक थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इन्होंने दो देश के राष्ट्रगान लिखे, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक और बांग्लादेश का अमर सुनार बंगला। आइए देखते हैं कि ऐसे क्या योग हैं इनकी कुंडली में जो इन्हें इतनी बड़ी हस्ती बनाया। ये है इनकी जन्म कुंडली। देखिए इनकी जन्म कुंडली यहाँ मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु यहाँ विद्या भाव में बैठे हैं और यहाँ विद्या भाव जो कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठे हैं। ये राशि परिवर्तन योग हो रहा है। लग्न के स्वामी विद्याभाव में, विद्याभाव के स्वामी लग्न में। गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन व्यक्तित्व के कारण ज्ञान, ज्ञान के कारण व्यक्तित्व। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुरु की नौवीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है, गज केसरी योग बन रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा योग बना हुआ है। गज केसरी योग भी है, राशि परिवर्तन भी है, ज्ञान के कारण व्यक्तित्व बन रहा है, व्यक्तित्व के कारण ज्ञान बन रहा है। इससे बड़ा योग हो ही नहीं सकता। इस कारण ये इतनी बड़ी हस्ती बने, इतने बड़े कवि बने, इतने बड़े साहित्यकार बने, दार्शनिक बने। ये योग बताता है कि ये व्यक्ति कितने महान हैं। अब हम इनके धन भाव की चर्चा करते हैं। सूर्य उच्च का बैठे बुद्ध के साथ, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। धन भाव बहुत अच्छा है, सूर्य उच्च के हैं तो बात ही क्या। साथ में राहु की दृष्टि पड़ रही है, पांचवी दृष्टि, इसलिए बहुत ही अच्छा। और इनके जो है पराक्रम की बात करें तो पराक्रम, देखिए पराक्रम राशि जो है इनका वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र यहाँ बैठ गए हैं धन भाव में। इनके शुभ सुविधा माता भूमि मकान की बात करें, चतुर्थ भाव की बात करें तो मंगल और केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ नीच के बैठे हैं। ज्ञान भाव की चर्चा हमने कर ही ली है। ज्ञान भाव में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर देखिए उच्च के भी हैं विद्या भाव में और राशि परिवर्तन भी हो रहा है। गुरु इस भाव के कारक ही गुरु हैं और गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। इस कारण इनका जो है ज्ञान भाव बहुत ही उच्च का था। रोग ऋण शत्रु की बात करें, चंद्रमा बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, नौमी दृष्टि राहु की, इसलिए शनि जहाँ बैठते हैं यहाँ रोग शक्ति बढ़ाते हैं। लेकिन शनि यहाँ विपरीत राज्यों की बना रहे हैं क्योंकि ये बारहवें भाव के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि यहाँ देखिए विपरीत राज्यों बना दें, विपरीत परिस्थितियाँ बनी लेकिन उसके बाद भी उनको फल अच्छा मिला है। इनका सप्तम भाव की चर्चा करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी जो है बुद्ध हैं, धन भाव में बैठ गए। अष्टम में दृष्टि, अष्टम भाव के स्वामी शुक्र धन भाव में है, अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र की दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है तुला राशि में, इसलिए ये भाव बहुत अच्छा हुआ। सूर्य बुद्ध की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है।
तो शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये आकस्मिक ज्ञान का भी रिसर्च का भी भाव होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए क्या ये रिसर्च पॉइंट से भी कविता काफ़ी साहित्य काफ़ी उमदा था। भाग्य की बात करते हैं, भाग्य भाव के स्वामी मंगल बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में। गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव को बहुत अच्छा कर देते हैं, इसलिए उनका भाग्य काफ़ी अच्छा है गुरु के कारण। कर्म भाव में देखिए यहाँ पर राहु बैठे हुए, राहु बैठे हैं कर्म में धनु राशि में, नीच के होते हैं। नवांश कुंडली में गुरु जो है केंद्र में होने के कारण राहु का नीच भंग राजयोग हो गया। कर्म का नीच भंग राजयोग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म राशि में राहु बैठे हैं और राहु का नीच भंग राजयोग बना है, इसलिए इनका कर्म बहुत अच्छा था। साथ साथ मंगल की दृष्टि पड़ रही, केतु की दृष्टि पड़ रही है। आय भाव की बात करते हैं, देखिए मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है, इस कारण का आय भाव भी ठीक था। और इनके विदेश भाव में देखिए यहाँ शनि की अपने ही घर में दृष्टि पड़ रही, इसलिए इनका विदेश भाव भी कहीं अच्छा था। राहु की जो है नौवीं दृष्टि भी पड़ रही, केतु की नौवीं दृष्टि भी पड़ रही। देखिए इनकी कुंडली कितनी अद्भुत है, इसमें कितने सारे योग बने हैं। तो गुरु उच्च का है राशि परिवर्तन, चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु की नौवीं दृष्टि अपने ही घर में, इनके व्यक्तित्व कितना अच्छा है, ज्ञान कितना अच्छा है। दूसरा सूर्य का उच्च का होना, बुद्ध आदित्य योग, शुक्र का अपने ही घर में दृष्टि, मंगल की दृष्टि पड़ी, शनि की अपने ही घर में दृष्टि, इस कारण ये जो है यहाँ पे चंद्रमा मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो इतने सारे योग होने के कारण ये कुंडली अद्भुत थी, और इसलिए ऐसी कुंडली बहुत रेयर होती है, बहुत कम मिलती है, इस कारण इतना बड़ा ये इनको साहित्यकार जो है कवि और दार्शनिक बनाया। दोस्तों कुंडली का एनालिसिस आप अपनी भी कर सकते हैं, किस तरह के ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं, या तो मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस सेंड करें ताकि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस कर सकूं, किस तरह के योग बने हुए। इसके लिए दोस्तों मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस सेंड करें ताकि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस कर सकूं। धन्यवाद।